मेरा नाम नितेश कंवर है और हॉकी गेम में गए थे हम राउरकेला उड़ीसा। कहाँ से प्रेरणा मिली, ट्रेनिंग कहाँ से मिली? प्रेरणा और ट्रेनिंग तो स्कूल से स्टार्ट हो गई थी, मॉडल स्कूल चूली, जिसमें हम पहले स्कूली टूर्नामेंट में जाते थे और फिर धीरे धीरे आगे ओपन खेल खेल के। और बाकी सब मदन सिंह को शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतने आगे भेजा है। कहाँ का खेले हैं आप अभी तक? इससे पहले हम वेस्ट जोन चैंपियनशिप खेल के आए थे, जिसमें हमारी थर्ड पोजीशन लगी थी, जो छत्तीसगढ़ में थी, राजनांदगांव में। और ये सेकंड टाइम है नेशनल टूर्नामेंट, जो राउरकेला ओडिशा में था। और उससे पहले स्टेट खेल चुके हैं और 6 साल से खेल रहे हैं। और आगे सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? फील्ड स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं और सपना तो यही है कि आगे इंडिया की टीम में खेलें इंटरनेशनल। मेरा नाम मदन सिंह चूली है, मैं हॉकी बाड़मेर का सेक्रेटरी हूं। वैसे हमारी लड़कियां काफ़ी 3-4 सालों से प्रैक्टिस है, स्टेट लेवल पे तो कई बार खेली है, नेशनल लेवल पे इस साल मौका मिला, जिसमें हितेश कंवर तो लगातार दूसरी बार नेशनल खेली है। पहले वेस्ट जोन में खेली, अभी सीनियर जो जूनियर थी चैंपियनशिप 13वीं हॉकी इंडिया की, उसमें राजस्थान की उप कप्तान के रूप में खेल के आई है। खेल के क्षेत्र में किस तरह के सुधार चाहते हैं हम बाड़मेर में, क्या उम्मीद करते हैं कि जाके बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म मिल सके? उम्मीद तो ये करते हैं कि बाड़मेर में अगर एस्ट्रो टर्फ हो जाए तो हॉकी में हमारे बहुत संभावना है, बाड़मेर की टीम राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और कितने स्टूडेंट हैं जिनको आप तैयारी करवा रहे हैं? हमारे पास लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट है बालक और बालिका वर्ग में, जिसमें स्टेशन रोड हाई स्कूल के मैदान पे डेली हमारा कैंप चलता है, अभ्यास मतलब स्टार्ट है, और बालिकाओं के लिए चूली में चल रहा है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं खेल? ये बच्चियां खेल के आई है तो इनसे प्रेरणा लेके आप भी, आपको भी अवसर मिल सकता है राष्ट्रीय स्तर पे, इसलिए ज्यादा माला एक दो माला गले इनको दे दो, गले में डाल लेंगे अपने आप। एक दो और डाल दो। ये नहीं वारी है, वारी अब आवाज़ हो गई। अब आ जाओ एक मिनट।